Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. अभी हम बिल्कुल क्वेश्चंस कर रहे हैं. अभी प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रखूं दो दो क्वेश्चंस की, सो दैट आपके लिए भी बोरिंग ना हो एंड इंटरेस्ट बना रहे. ठीक, चलिए बच्चों शुरू करें. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. आई एम रेफरिंग द बुक टीएस ग्रेवाल. हाँ जी, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. क्या ट्रांजैक्शन है? सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मैम बहुत इजी है, मत बताइए, ये तो हम कर ही लेंगे. इतना हर एक में यही आता है, गल्ले में पैसे आए 5 लाख रुपए, सुरेखा लाई. सुरेखा तो प्रोप्राइटर है, उसका नाम की जगह कैपिटल लिखते हैं, 5 लाख. क्या रूल्स लगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया. कैपिटल क्रेडिट द गिवर, सुरेखा ने दी ना हमें पैसे तो वो क्रेडिट हो गई. बी वाले पॉइंट पे आ जाओ. बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल सन फॉर 3 लाख, हाफ पेड इन कैश. ठीक है जी, गुड्स खरीद के लाए हैं तो परचेजेस हुई हमारी. ठीक है, तो परचेजेस हुई हमारी. ठीक है, परचेजेस को करो आप डेबिट. कितने से परचेजेस हुई? पूरी 3 लाख की. एंड मैम 3 लाख में से ना परचेजेस को डेबिट क्यों करा? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अब मैम 3 लाख में से ना हमने अभी हाफ पेमेंट कर दिया कैश से, तो गले में से पैसे गए. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 1.5 लाख. क्या ऐसे ही छोड़ दो ट्रांजैक्शन को? नहीं मैम, डबल एंट्री सिस्टम कहता है डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तो वहां पे डेबिट में 3 लाख है तो क्रेडिट में भी 3 लाख होना चाहिए. सो 1.5 लाख तो आएगा, लेकिन क्या अकाउंट क्या लिखे हम यहाँ पर? आपने ना गोयल सन से खरीदे हैं गुड्स, तो आप गोयल सन का ही नाम लिखिए, क्योंकि उधारी हो गई ना आपकी. आपने कैश में 1.5 लाख दे दिया, 1.5 लाख की उधारी चल रही है आपकी, तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट पे आए. सी पॉइंट में बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख. 1 लाख के गुड्स बेचे हैं. रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली. उसने 60,000 रुपए अभी के अभी हमें दे दिए. चलिए तो बहुत अच्छी बात है, उसने पैसे दे दिया हमें, सेल्स हुआ, सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स को क्रेडिट करा 1 लाख से. गल्ले में कितने पैसे आए भाई? बिजनेसमैन वाला दिमाग रखो, गल्ले में पैसे डालो. कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बाकी 40,000 कहाँ डालो? बाकी 40,000 मैम आपने किसे गुड्स बेचे हैं? सोनिका को बेचे हैं. उसे आप अपना डेटर बना लो कि वो आपको बाद में गुड्स देगी, तो सोनिका हो गई डेबिट हमारी. एक बार रूल बताती हूँ, कैश डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, सोनिका डेबिट हुई बिकॉज सोनिका हमारी डेटर बन गई. ठीक है, उधारी पे गुड्स बेचे उसे, हमारी असेट है वो. एंड सेल्स क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डी पॉइंट, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव. उसने कहा ऐसा है, 10% ऑफ द गुड्स जो आपने मुझे सेल करे वो वापस ले लीजिए बिकॉज वो डिफेक्टिव है. तो सेल करे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न हुआ. सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, बिकॉज इसमें गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन. कितने गुड्स आए बेटा? 1 लाख के. पूरा सेल जो हुआ था उसका 10%, दैट मींस 10,000 के गुड्स आए, सेल्स रिटर्न हुई. ये सेल्स रिटर्न सोनिका ने दी. सोनिका कौन है? गिवर है, तो 10,000 से क्रेडिट हो गए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आया ई वाला पॉइंट, पेड टू गोयल सन 1,49,000 इज इन फुल सेटलमेंट. मतलब हमने गोयल सन को 1,49,000 रुपीज दिए हैं फुल सेटलमेंट में, इसके बाद हम उन्हें और कोई पैसे नहीं देने वाले. सो फर्स्ट स्टेप शुड बी आप फाइंड आउट करें कि उन्हें कितने पैसे देने हैं. अब कौन से ट्रांजैक्शन से पता चलेगा? बी वाले ट्रांजैक्शन में गोयल सन से गुड्स खरीदे थे, बी वाले ट्रांजैक्शन की ये री एंट्री. गोयल सन से गुड्स खरीदे थे बेटा कितने के? 3 लाख के गुड्स खरीदे थे, 1.5 लाख उसी समय दे दिया था, 1.5 लाख देना है. अब 1.5 लाख के बदले मैंने उन्हें कितने पैसे दिए? 1,49,000 दिए. तो 1,000 जो मैंने नहीं दिया, दैट वॉज माई कैश डिस्काउंट. ठीक है, जब मैं पेमेंट करती हूँ, कम पेमेंट क्यों करी मैंने? क्योंकि डिस्काउंट है, मेरे को डिस्काउंट मिला है. तो एंट्री करेंगे, गोयल सन को डेबिट करो 1.5 लाख से. ठीक है, कैश कितना गया आपके पास से? आपके पास से गया है सिर्फ 1,49,000. तो बाकी बचा 1,000 कहाँ आया भाई? वह हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया. जब हमने पेमेंट करी, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया कि उसे जो 1.5 लाख देने थे उसके बदले में हमने उसे सिर्फ 1,49,000 दिए. ठीक है,
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल. वेरी नाइस, हीरो ऑफ द क्वेश्चन हो गया ये तो. कहने जो सोनिका से अमाउंट लेनी थी वो अब आपको रिसीव नहीं हो सकती, मतलब आपके बैड डेट्स हो गए हैं. सोनिका का ना यहाँ ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने सारी, ये सोनिका की ट्रांजैक्शन है. तो अब ट्रांजैक्शन नंबर एफ भी उससे रिलेटेड है, यहीं पे लिख रही हूँ. बैड डेट्स हुए हैं बेटा, बैड डेट्स लॉस होता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कितना लॉस हुआ है, ये लॉस किस किया किसने है, सोनिका ने करा है. सोनिका इज द गिवर ऑफ लॉस, तो क्रेडिट हो गई. अमाउंट क्या लिखे भाई इसमें, अभी कह रहे हैं ये लोग सोनिका से जो अमाउंट लेनी थी वो नहीं मिलेगी, तो कितनी अमाउंट लेनी थी. सी वाले ट्रांजैक्शन में सोनिका डेटर बनी 40,000 से. डी वाले ट्रांजैक्शन में सोनिका ने 10,000 के गुड्स वापस कर दिए. तो भाई 40,000 में से जो उसे लेने थे 10,000 के गुड्स कैंसिल हो गए हैं, तो अब 30,000 भी तो बचे थे. तो 30,000 अब मेरे को मिलने से रहे, तो 30,000 आई विल राइट इट ऑफ एज बैड डेट्स. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आओ. पेड रेंट, ये भी भाई अच्छा है, 1 star I would give it. Paid rent, rent pay करा 15,000 का. 2/3 of the premises is occupied for own use. आपने rent 15,000 का pay करा है, लेकिन उस 15,000 के rent में से 2/3, 15,000 का 2/3 हुआ 10,000. 10,000 तो proprietor ने अपनी जगह के लिए, own use की जगह के लिए rent pay करा है, वो तो drawing हो गया. 5,000 का असल में रेंट आपकी बिल्डिंग का रेंट है, बाकी 10,000 का रेंट किसका है, वो प्रोपराइटर का रेंट है, मतलब कि वो हमारी ड्रॉइंग्स है. तो ये है एफ पॉइंट का ट्रीटमेंट, एफ नहीं सॉरी जी पॉइंट का ट्रीटमेंट. रेंट पे करा, जो बेटा हमने रेंट अपने लिए पे करा है ना बिजनेस ने, तो रेंट डेबिट हो गया उसका एक्सपेंस है. कैसे पे करा होगा, कैश के थ्रू पे करा 5,000. बाकी बचा हुआ 10,000 की अलग एंट्री बना रही हूँ मैं, बाकी बचे 10,000 की क्या एंट्री बनेगी, रेंट ही लिखूं क्या, नहीं, ये खर्चा थोड़ी है, तो ड्रॉइंग्स हुआ ना, क्योंकि हम प्रोप्राइटर से वापस मांगेंगे भाई पैसे, हम तो लॉस बुक कर रहे हैं अपना. ड्रॉइंग्स डेबिट, गल्ले में से पैसे गए कैश. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन अप्रॉक्स 7 minutes 20 seconds. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ. चलिए चलिए जी, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 करना शुरू करते हैं. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है ठीक है, एक सेकेंड वेट करिए, कुछ दिक्कत हो रही है. चलिए आई हैव गॉट इट रिजॉल्व, शुरू करते हैं. पहला है मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये तो बहुत इजी है, ये मैं फिर से बताऊं क्या, मुस्कान ने बिजनेस शुरू करा है कैश से और स्टॉक भी लाई है, बिल्डिंग भी लाई है. ठीक है, सारी असेट्स को जो जो आया है उसे डेबिट करते जाओ. कैश डेबिट हुआ बाय 3 lakh, स्टॉक डेबिट हुआ बाय 5 lakh, बिल्डिंग डेबिट हुई बाय 25 lakh. और ये सब वो किस लिए लाई है, ये वो लाई है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कैपिटल है. कितना हुआ बेटा, 25 + 5 = 30, 30 + 3 = 33 lakh. ठीक है, बी पॉइंट पे आ जाओ. बी पॉइंट में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार बाक रूम. कोई रूम कंस्ट्रक्ट कराया है आपने 1 lakh का, अब पार बाक रूम थोड़ी लिखोगे भाई, बिल्डिंग ही तो है किसी भी किस्म की. तो बिल्डिंग 1 lakh की बनी, हमारी एसेट है, डेबिट करा कैश से, पैसे गए हमारे, क्रेडिट हो गई कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 1 lakh. सी वाले पॉइंट पे आओ. पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक 15,000 एंड सेल्फ 7,000. अच्छा है भाई, हीरो ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी, मैं इधर ही करा रही हूँ. इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा आपने गोडाउन की स्टॉक को इंश्योर कराने के लिए, तो इंश्योरेंस मेरा खर्चा है भाई, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंश्योरेंस को डेबिट करा बाय 15,000 एंड 2 कैश कर दिया 15,000. दूसरी बात कह रहे हैं 7,000 का इंश्योरेंस अपने लिए भी दिया, अपने लिए कौन देगा, मतलब मुस्कान अपने लिए दे रही है, तो भाई ये तो ड्रॉइंग्स हुई, इसे मत मान लेना खर्चा. तो
तो ड्रॉइंग्स डेबिट 7,000 और बिजनेस के गले में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 7,000. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. दिस इज द हीरो ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी टिल नाउ. अभी तक मेरे लिए ये हीरो है. ये बहुत अच्छा पॉइंट था, आपको अच्छे से करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट देखो, डी वाला. अच्छा नीचे करा दूं डी वाला पॉइंट. यहाँ पे देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000 और फिर कॉमा लगाए, फिर इंश्योरेंस क्लेम हमने लॉन्च कर दिया है. तो पहले ना जहाँ कॉमा लगाए मैं उतने का ट्रीटमेंट करती हूँ. हमारे गुड्स लॉस बाय फायर है ये, आपको याद हो स्पेशल ट्रीटमेंट वाले जो आते थे. तो लॉस बाय फायर डेबिट. क्यों डेबिट हुआ ये? बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड दिस इज अवर लॉस. 80,000 का लॉस हुआ. तो क्या जला बेटा? गुड्स जले ना, तो परचेजेस क्रेडिट हो गई क्योंकि मेरी परचेजेस कम हो गई. पहली एंट्री तो ये हो गई. प्लस एक और एंट्री करोगे आप इसमें, कह रहे हैं इंश्योरेंस का क्लेम लॉन्च कर दिया है भाई. तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी हमें क्लेम देगी तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एक असेट बुक कर लेनी चाहिए मेरे को, बिकॉज इन फ्यूचर इट विल गिव मी बेनिफिट, है ना. तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना असेट मानती हूँ, डेबिट करती हूँ. कितने से? पूरा 80,000 का ही मैंने करा है. टू क्या करूं बेटा? क्रेडिट में किस चीज को लिखूं? इस इंश्योरेंस कंपनी की जो असेट मेरे बुक्स में आ रही है, इसके कारण मेरा लॉस जो था, लॉस बाय फायर, वो कम हो रहा है. तो लॉस को कैंसिल करूंगी. लॉस को जब लिखते हैं डेबिट करते हैं, अब लॉस को कैंसिल करने के लिए आप उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो लॉस बाय फायर 80,000. मैं इसका रीजन आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि ये एंट्री फर्स्ट टाइम आई है अभी. इसका रीजन है डेबिट दी असेट. असेट डेबिट हो गई, बढ़ रही है असेट. लॉस बाय फायर, मेरा लॉस जो है ना वो कम हो रहा है. तो लॉस जब कम होगा तब वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट है हमारा ई पॉइंट. ई पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है भाई. ई ट्रांजैक्शन पे आ जाओ बच्चों. कमीशन रिसीव हुई है 25,000 की, कॉमा लगाया. तो इतने का ट्रीटमेंट मैं पहले कर रही हूँ, क्यों बेफालतू में इतना उसे कंबर्सम बनाना या कॉम्प्लेक्स करना. कमीशन रिसीव हुई तो ये तो मैम हमारी इनकम है, गले में पैसे आए. सबसे पहले तो आप डेबिट व्हाट कम्स इन कर दीजिए. बिजनेसमैन का यही मोटो होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना. कैश डेबिट हुई, कैसे आई? कमीशन ऑन करा है तो कमीशन रिसीव क्रेडिट कर दीजिए, बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. वेरी गुड. इसके बाद एक और एंट्री होगी भाई प्लस में. क्या एंट्री होगी? कह रहे हैं 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस. ओहो, गलती हो गई मेरे से. अब ये तो 25,000 का कमीशन पे कर रहा है ना, इसमें से 20% कमीशन एडवांस वाला है, बाकी अभी का कमीशन है. मतलब ये जो मैंने अमाउंट यहाँ 25,000 लिख दी, ये नहीं लिखनी थी मुझे. इसमें मुझे 25,000 का 20% हटा के, मतलब ओनली 80%, 20,000 लिखना था, ठीक है. जब वो कह रहे हैं कि 20% बात का है तो अभी का तो हमारा 80% होगा ना, उसकी एंट्री मैंने कर दी. बाकी अब जो कमीशन रिसीव एडवांस में हो गई है, आप मुझे खुद बताओ, अगर आप मेरे को फीस दोगे और आप मेरे को एडवांस में फीस दे दोगे तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी. इन द सेम मैनर अगर मेरे को कमीशन एडवांस में मिल गई तो वो मेरी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है. अब मिल गई है तो गल्ले को तो मैं डेबिट करूंगी भाई. पैसा आ गया है मेरे पास, कितना? 5,000 रुपए टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है. ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है भाई आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, ठीक है. 5,000, इसे एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है. इसमें बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज है, तभी मैं बोल रही हूँ. इसका मैं रीजन भी आपको लिखवाती हूँ. कैश डेबिट करा बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन. कमीशन रिसीव यहाँ क्रेडिट करी क्योंकि इनकम थी, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. यहाँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट करी क्योंकि लाइबिलिटी बन गई कि आपने पहले ही कमीशन लेके रख दी और उसका काम नहीं करा है तो आपको इन फ्यूचर काम उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है. आपके लिए लाइबिलिटी बन गया है. अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 ट्रांजेक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कराऊं. 3 ट्रांजेक्शन, चलिए चलो आ जाओ. एफ वाले ट्रांजेक्शन देखते हैं. लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 80% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ लिया. इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल एंड फाइनल पेमेंट. ऊपर देखना जरा भाई, इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मांगे थे. यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस कंपनी से मांगे थे हमने 80,000, बिकॉज हमारा 80,000 का नुकसान हुआ था. उसने हमें पेमेंट कितने की करी बेटा? उसने पेमेंट सिर्फ 80% की करी. 80,000 का 80% मतलब 64,000 की पेमेंट करी है उसने हमें, और बाकी के 16,000 रुपए हमारा नुकसान हो गया.
अब आपने इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लिया, इसकी एंट्री कैसे करनी है वो सुनना मेरी बात। आपका इंश्योरेंस कंपनी, आपने एसेट बुक करी थी, आपने डेबिट करा था उसे 80,000 से, अब वो आपको क्लेम दे रही है ना, आप उसे कैंसिल कर दो, क्रेडिट कर दो 80,000 से। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दो 80,000 से। इतना काम समझ आया आपको? आपने एसेट कैंसिल कर दी अपनी, अब आपको पैसे मिले हैं क्या? हाँ जी मिले हैं। कैश में पैसे डालो, कितने पैसे मिले हैं? 80% मिला है, 80% हो गया 64,000। कैसे आया 64,000? 80,000 का 80% जितना आपको मिला, ठीक है। बाकी बचा हुआ बेटा जो नहीं मिला 16,000, वो क्या है? 16,000 जो नहीं मिला मैम, वो हमारा नुकसान है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी से हमने 80 मांगे। अब उनका प्रोसीजर होता है, दे एनालाइज द होल सिचुएशन एंड देन फिर उन्होंने दे केम ऑन टू द कंक्लूजन कि नहीं नहीं वी कैन नॉट गिव यू 80,000 रुपीज, वी कैन ओनली गिव द 80% अमाउंट, दैट इज 64,000। तो बचे हुए 16,000 हमारा नुकसान हो गया यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो इसे और बात खत्म कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के बात खत्म कर दो। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में डला है, ये आपका इन शॉर्ट नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, एंड यू नो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड दिस इज डेबिटेड, ठीक है। इसका रीजन लिखवा दूं अच्छे से, इंश्योरेंस कंपनी मेरी असिफ कम हुई तो क्रेडिट हो गई, कैश डेबिट व्हाट कम क्रेडिट, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पीएनएल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे है, ट्रांजैक्शन नंबर जी, सैलरी पेड 48,000 एंड ड्यू 22,000। इसका क्या मतलब है? अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं तो लिखो सैलरी डेबिट टू कैश, पेमेंट कर दी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितने की? 48,000 की, 48,000 की। लेकिन मैम ये क्या लिखा है कि सैलरी इज ड्यू 22,000? ड्यू का मतलब ये है बेटा कि आपने सैलरी देनी तो है 22,000 की, लेकिन अभी तक आपने वो दी नहीं है, ठीक। तो ये आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमने पढ़ा था। तो सैलरी इज डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंडिचर, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। मैंने यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने गल्ले में से पैसे पे नहीं करे हैं, आपके लिए तो वो एक अभी लायबिलिटी बन गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की, उसमें 22,000 आ जाएगा। इसका रीजन भी लिखवाते हो, टेंशन नहीं लो, ये हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट हुआ और ये हमारे पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुआ था, और सैलरी तो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, एच वाले पे लास्ट पॉइंट, ये आपको खुद करना चाहिए, वैसे ये हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं लेकिन मैं बता देती हूँ चलो आपको। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन तो हमारा खर्चा है भाई, डेप को कर दो डेबिट, और इससे क्या हो रहा है, ये क्या खर्चा क्या पैसों में जा रहा है? नहीं, पैसों के फॉर्म में नहीं जा रहा, इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। बिल्डिंग इज आर असेट, असेट आर ऑलवेज डेबिटेड व्हेन दे इंक्रीज, लेकिन जब वैल्यू कम हो रही है असेट की तो हम उसे डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 10% से। 10% अब बिल्डिंग थी कितने की भाई? बिल्डिंग बनी है हमारी पॉइंट नंबर टू में 1,00,000 की, ठीक है, 1,00,000 की बिल्डिंग बनी, 1,00,000 पे इन्होंने बोला कि आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, सो 1,00,000 का 10%, 10,000 एंड 10,000। इसका रीजन लिखवाऊं, डेप हो गया मेरा एक्सपेंस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिल्डिंग हो गई मेरी असेट, असेट कम हो रही है बेटा तो इसे क्रेडिट कर। I hope I'm clear with this. मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया, 16 भी हो गया आपका, 15 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, विद इन 18 मिनट्स और 19 मिनट्स आई गेस आई हैव कवर्ड टू क्वेश्चन ऑफ योर्स। आप जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चों तो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।